डॉक्टर लहरी? यस मिस्टर हरी, ये हमारी सेक्रेटरी रोजी का ये मजाक कि हमारी कुर्सी भी लेट रही है। हाँ, एक काम करो, बेल बजाकर इसे जगाओ। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बेल बजाने? अबे डोर बेल नहीं, ये 125 रुपए क्यों खर्चे हैं? सर, आप? आपकी इजाजत हो तो हम बैठ जाएं? Sure sir, why not? Thank you. Good morning. Sir, मैं आप लोग के लिए पानी लेके आती हूँ। रोजी, तुम जानती हो कि ऑफिस में आने के बाद हमें पानी से पहले पेपर की जरूरत पड़ती है। और सर आप भी जानते हैं कि हमेशा आपका न्यूज़पेपर आपके सामने होता है। Sorry. कभी कभी हो जाता है। Bring us 2 glass of butters. Yes sir. लरी, ये रोजी हासके को गई है। उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है। चलो इंग्लिश। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये देखो, शहर में कोई वायरस फैल गया है और एक ही बस्ती है नालीपाड़ा, उस बस्ती के अंदर लिखा है 6 लोग मर गए हैं और उस वायरस से कई लोग बीमार पड़े हैं। यार पता नहीं लोग बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। सर, जो लोग बीमार पड़ते होंगे वो डॉक्टर के पास तो जरूर जाते होंगे, लेकिन अगर उन्हें डॉक्टर की लिखी हुई दवाई ही सही ना मिले तो मरीज भी क्या करे। तुम कहना क्या चाहती हो रोजी? सर, ये सारी मौतें एक ही छोटी सी और गरीब सी झोपड़पट्टी में, और ऐसी जगह पे ज्यादातर एक ही केमिस्ट की दुकान होती है, और नकली दवाइयों की सप्लाई ऐसे एरियाज में ज्यादा होती है। नकली मेडिसिन? छी 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 छी, इंसान कितना गिर गया है। किधर गिरा? जमीन से गिर गया। तो सर आप किस मर्ज की दवा है? आप लोगों को नाली पाड़ा जाके ये पता लगवाना चाहिए कि कौन सा केमिस्ट है जो गरीब लोगों को दवाई के नाम पर जहर दे रहा है। आई थिंक शी इज राइट। हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम इंसानियत के लिए भी किए जाते हैं, और हमसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। चलो नालीपाड़ा चलते हैं। पारी यार, यहाँ से नालीपाड़ा बस्ती कितनी दूर है, और हमारे पास ऑटो में जाने के लिए पैसे नहीं है। सर, नालीपाड़ा तक जाने के लिए सरकार ने गवर्नमेंट भी दे रखी है। वो तो ठीक है, जहाँ तक बस ले जाएगी वो वहाँ बस में जाएंगे, उसके बाद में फिर पैदल चले जाएंगे, मॉर्निंग वॉक कर लेंगे। मॉर्निंग वॉक। तो चलो शुरू करते हैं डिटेक्टिव मिशन 009। एक्सक्यूज मी, जो नालीपाड़ा में केमिस्ट शॉप है उस शॉप के मालिक कौन है? मैं हूं। मतलब जिसने हमें एड्रेस दिया, ठीक ही दिया। हाँ, लेकिन शॉप बंद करके आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं दोपहर को खाना खाने घर आता हूँ, लेकिन आप कौन हैं? हम दोनों इस देश के महान जासूस हैं। जासूस 009। आप ये मत समझना कि हम बस में आए। वेरी कंट्रोल, सिर्फ काम की बात करो। क्या आप जानते हैं इस बस्ती में काफी वायरस फैला है और काफी लोग मर गए हैं और काफी लोग सीरियस हैं? जी हाँ जानता हूँ, पर आप लोग ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि नालीपाड़ा के जितने लोग हैं वो सब लोग तुमसे ही दवाई लेते हैं, लोगों को नकली दवाइयाँ बेचते हो। तुम कैसे कह सकते हो मैं नकली दवाइयाँ बेचता हूँ? मैं जो दवाइयाँ बेचता हूँ उसको बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, और मैं दवाइयाँ डायरेक्ट कंपनी से नहीं लेता बल्कि उनके एजेंट से लेता हूँ। जी हाँ, एजेंटों की तो असली कमाई होती है। कंपनी से दवाई लेकर आते हैं बड़ी सस्ते रेट पे, फिर अपना मोटा कमीशन रखकर वो आगे हमें दे देते हैं। हमने भी 4 पैसे कमाने होते हैं, इसलिए जो दवाई कंपनी से 40 रुपए की निकलती है ग्राहक के पास पहुंचते पहुंचते 70 रुपए की हो जाती है। लो, 40 रुपए की कंपनी में और 70 रुपए की ग्राहक को। देखा जाए तो ग्राहक पे तो जुल्म है ना यार। हैरी, ये आदमी तो पब्लिक का भला सोचने वाला लगता है। You're right. ये जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दे सकता। वैसे भाई साहब, आजकल ये जो वायरस फैला हुआ है उसके लिए डॉक्टर मरीजों को कौन सी दवाई लिख कर देते हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं? उसमें बताना क्या है, मेरे पास उस दवाई का खाली सैंपल पड़ा है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ। रुकिए। ठीक,
ये रही वो टैबलेट्स, इस पे बनाने वाली कंपनी का नाम और पता भी लिखा है, लॉन्ग लाइफ मेडिसिंस। ये मिस्टर पटेल की बड़ी ही रिप्यूटेड कंपनी है और ये लोग गलत दवाई बना ही नहीं सकते। अगर बनाते तो उस पे अपना पता क्यों लिखते? बाकी भगवान जाने, या फिर वो रिसूजा जो हमको ये दवाइयां लाके देता है। वो उस रिसूजा का आपके पास एड्रेस है? हाँ हाँ, एक सेकंड, ये लीजिए उसका कार्ड। इन एजेंटों के चक्कर में बेचारे मरीजों को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है दवाई पर। मरीज को इसमें से 4 गोलियां रोज खानी होती है, डॉक्टर 7 दिन का कोर्स लिख कर देते हैं। बेचारे गरीब लोग 140 रुपए की ये टैबलेट्स 7 दिन तक कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मुश्किल है, वाकई मुश्किल है। जबकि मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी से ये बॉटल ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए में भी आती होगी। मिस्टर हैरी, मुझे लगता है ये भाई साहब गलत नहीं हो सकते। यू आर राइट, पर इस घोटाले का पता कैसे लगाया जाए? इस घोटाले का पता तो अब एक ही आदमी बता सकता है और वो ये है डिसूजा। मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा। अरे यार कितना अंधेरा है, डिसूजा डिसूजा कर रहा है, लाइट जलाएगा तो कुछ पता चलेगा ना। ओके हाँ। क्या हुआ इसे? मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा, डिसूजा कर रहा है और तो कुछ बोलते ही नहीं है। इसकी जेब देख, शायद कुछ मिल जाए। कुछ भी नहीं है यार, वो डायरी है। डायरी है? एक काम कर, इसे संभाल के रख ले, किसी काम आएगी। और तो इसकी जेब में कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, देख ना नशे में कितना दूध पड़ा है, शराब पी के दूध है। ये शराब के नशे में दूध नहीं है साहब, ये शराब के नशे में दूध नहीं है। आप? मैं नसीब फूटेली इसकी वाइफ है। ए डिसूजा, डिसूजा। अरे बेटी, इसने शराब नहीं पी है तो इसकी हालत ऐसी कैसी है? अरे साहब, ये नशे की ड्रग्स का आदि हो गया है। जब इन ड्रग्स के लिए पैसा नहीं होता है ना, तो ये दवाई खरीद के खाता है। वो दवा जो डॉक्टर लोग लिख के देता है ना मरीज लोग को, ये वो दवा खाता है साहब। मैं क्या करूंगी इसका, ये गपा गप गपा गप गपा खाता है, ये दवाई का धंधा करता है ना, इसको सब मालूम है, इसको सब मालूम है कौन सी दवा में नशा होता है। ये मेरा एक नहीं सुनता है। ए डिसूजा, उठता क्यों नहीं रहे? हे भगवान, जमाना कितना खराब आ गया। इंसान ने जो दवाइयां इंसान को जिंदगी देने के लिए बनाई है, इंसान ही वो दवाइयों से मौत खरीदता है। बताओ कितनी बार समझाती हूँ तेरे को, दूसरों को नकली दवाइयों की मौत बेचता फिरता है, किसी तेरे को उसकी हार खा जाएगी लोगों की, समझता क्यों नहीं? अभी भी होश कर, कितना समझाऊं तेरे को मैं डिसोजा, उठ रे बाबा, उठ डिसोजा, 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 उठ रे डिसोजा, अरे भगवान डिसोजा, क्या हो गया तेरे को? मिस्टर हैरी? हाँ लरी यार, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चारा ना, इससे पहले कि कोई मुसीबत आ जाए। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। वही बेटे साजा, क्या हो गया रे तेरे को, मर गया रे तू, जब खाए लेके मर गया डिसोजा। देख लिया, देख लिया हमें नेक सलाह देने का अंजाम। बड़ी आई हमें कहने वाली कि आप जैसे जासूस किस मर्ज की दवा होते हैं। अरे अगर वहाँ पुलिस आ जाती तो हम क्या जवाब देते कि हम वहाँ क्यों गए थे, किसने दिया हमें नकली दवाइयों का केस, है? मारे जाते ना। अरे जो काम सरकार का है सरकार कर ही रही है ना, तो फिर हम वहाँ क्यों गए? लेकिन सर, शट अप, तेरी नेक शराब के कारण हम फंस सकते थे। चल छोड़ यार, हम तो अपनी तरफ से नेक काम ही करने गए थे, अब क्या हो सकता है। तूने डिसूजा की डायरी चेक की? हाँ सर, मैंने ये सारी डायरी चेक की है और इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक अजीब सा नाम है, बरुआ दवाई। बरुआ दवाई? और उसका एड्रेस भी लिखा है इसमें। ये कैसा नाम हुआ यार, बरुआ तो सुना है
और दवाई तो किसी की काश भी नहीं होती। दिखाना जरा। ओ खबरदार, जो इसके बारे में सोचा तू, एक तो डिसूजा की लाश देखते देखते मैं मेरे हाथ पांव कांप रहे, उसके बाद में बरुआ की लाश मैं नहीं देख सकता। क्या हुआ सर, आप इतना छींक क्यों रहे हैं? लगता है इसे कोई याद कर रहा है। ओ डिसूजा की वाइफ ही याद कर रही होगी। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं सर? ओ माय गॉड सर, आपको तो पूरा बदन दब रहा है। अरे हाँ, ये तो बहुत गर्म है, इसके ऊपर तो आमलेट भी बनाया जा सकता है, इतना गर्म है। रोजी एक काम कर, अपना नाक बंद कर, नाक बंद कर। क्यों सर? अरे मुझे लगता है इसे स्वाइन फ्लू हो गया है। सर बड़ी गलत बात है, दिस इज वेरी रॉन्ग। बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी बीमारी का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। इससे ना सिर्फ खुद इंसान परेशान होता है जबकि सोसाइटी में भी पैनिक फैलता है। हाँ तो स्वाइन फ्लू ना सही, इसे हैजा हो सकता है, इसे मलेरिया हो सकता है, इसे टीबी हो सकती है। ओ यार तू मेरे लिए छोटी मोटी बीमारी मत सोचना। हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। लेकिन सर कुछ ना कुछ तो जरूर है, और मुझे लगता है कि आज आप उस बस्ती में गए थे ना, और वहाँ जो वायरल फैला है ना, आपको भी जरूर उसी वायरल ने इफेक्ट किया होगा। हाँ, लगता है इसे उसी वायरल ने पकड़ा है। ठीक है, मैं ना डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। फोन नहीं आनी यार, और डॉक्टर की फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन यार तुझे बीमार छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, जरा सोच तेरे बिना मेरा क्या होगा। देख यार 110% मुझे उसी वायरस ने पकड़ा है, और मेडिकल वाले ने मुझे खाली शीशी तो दे दी, चल उसी मेडिकल से जाके ले लेते। हाँ तेरी बात भी ठीक है, मैं अभी केमिस्ट से ये दवाई लेकर आता हूँ। और नहीं यार, केमिस्ट से तो नकली दवा मिल सकती है, हमारे पास कंपनी का एड्रेस है, हम सीधा कंपनी में जाके खरीदते हैं। जो बाजार में 140 में बिकती है हम 70 में खरीदेंगे, हमें 7 दिन के रुपए का फायदा होगा। यार बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी 7 दिन के कोर्स की दवाई लेने के लिए 500 रुपए चाहिए होंगे, हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपए है यार। एक मिनट सर, ये 200 रुपए मेरे पास भी है, आप फिलहाल 4 दिन की दवाई ले आइए, बाकी फिर बाद में देख लेंगे। So nice of you, तुम्हारी पगार के टाइम तुम्हें 200 रुपए ज्यादा दे देंगे। चल यार चल, दवाई लेके आते हैं। मिस्टर पटेल नहीं, आप अपनी बात कहे जा रहे हैं पर हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। साहब आप बात समझ नहीं रहे हो, जो मेडिसिन हमें 60 रुपए में पड़ती है वही हम आपको 70 में दे रहे हैं। लेकिन जरा ये भी तो सोचिए मिस्टर पटेल कि जिस बीमारी की मेडिसिन आप 70 रुपए में सप्लाई कर रहे हैं वही मेडिसिन हमें बरुआ साहब 40 रुपए पर बॉटल देने को तैयार है, तो फिर हम आपसे 30 रुपए ज्यादा देकर कैसे खरीदें? आखिर लाखों का माल सप्लाई कर रहा है हमें। नहीं बात तो सही, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बरुआ 40 रुपए में वो मेडिसिन कैसे दे सकता है। भाई वो देता है तभी तो हम आपसे कह रहे हैं ना। देखिए पटेल साहब, हम एक बिजनेसमैन हैं, मुनाफे से ज्यादा हम कुछ नहीं सोचते हैं। आप बताइए हमें ये बॉटल 40 रुपए में सप्लाई कर सकते हैं या नहीं? देखिए रफीक साहब, हम ये बोतल 40 क्या 50 क्या 60 रुपए में भी आपको नहीं दे सकते, हमको नहीं परवड़ता। तो फिर तय रहा मिस्टर पटेल, मैं अभी बरुआ साहब के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मेरे आदमी कल से उनसे ही डिलीवरी लेंगे। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। ओए हैरी, ओ चल इस आदमी का पीछा कर। अरे ये तो निकल गया, यहाँ आसपास कोई ऑटो भी नहीं है। ओ हाँ यार, अब बरुआ को कैसे ढूंढेंगे? ओ यार तेरे में कौड़ी की अकल नहीं है। ओ तेरे को रोजी ने वो छोटी डायरी दी थी ना जिसमें लिखा था बरुआ दवाई, उस डायरी में एड्रेस भी तो होगा ना, देख। ओ यार वो बरुआ दवाई टेढ़ी गली रूम नंबर 34।
मेरी तरह तू भी इंटेलिजेंट कम नहीं है। मैनू लगता है मैं तेरा मुंह चूम लूं। खबरदार मेरा मुंह चूमा दो वरना मुझे भी तेरी तरह छींके आने लगेंगी। यार अच्छा मोबाइल में देख बैलेंस है कि नहीं। अच्छा पर क्यों? वो यार रोजी को खुशखबरी देनी है ना कि हमने सस्ती दवाइयों का बंदोबस्त कर लिया है और 7 दिनों का कोर्स पूरा हो गया है। अच्छा हाँ उसको बता देते हैं कि 7 दिन की दवाई हम खरीद सकते हैं। फिक्र करती होगी ना। वैसे बैलेंस तो इसमें 1-2 रुपया ही होगा पर चलो उतने में उसको खुशखबरी तो दी जा सकती है ना। हाँ नंबर लगा नंबर लगा ROSY रोजी। चलो इडियट 9 8 9 5 4 6 8 2। हेलो रोजी देख मेरे पास ना बैलेंस बहुत कम रह गया है मेरी बात जरा जल्दी जल्दी सुन ले। हमने ना बरुआ दवाई वाले का एड्रेस ढूंढ लिया है वो है टेढ़ी गली खोली नंबर 34। हाँ वो 70 रुपए की दवाई जो है ना हमको 40 रुपए में दे रहा है। अब हम पूरे 7 दिन का कोर्स खरीद सकते हैं और 7 दिन के कोर्स के बाद हमारा जो यार है ये बेचारा। हेलो 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 सर प्लीज वो सस्ती वाली दवाई मत लेना वो नकली हो सकती है। हेलो हेलो लगता है सर का फिर से बैलेंस खत्म हो गया। सुन जाप कर दे। क्यों? ओ यार बैटरी वेस्ट नहीं होगी ना। हाँ 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 सेफ्टी सेक इज द बेस्ट पॉलिसी। यस यस स्विच ऑफ। कमाल है फोन ऑफ कर दिया। वो तो ठीक है बरुआ साहब लेकिन आखिर पता तो लगे आप ये बनाते कैसे। अरे भाई असली दवा बनाएंगे तो महंगी पड़ेगी ना। हम तो जिस भी सीजन की जो भी बीमारी हो उसकी जो भी दवाई हो उसमें चूना वूना मिलाकर बना देते हैं और उस पर पटेल की कंपनी का लेबल लगाकर मार्केट में उतार देते हैं। अच्छा तो इस तरह दोनों हाथों से माल बटोर रहे हैं आप। हाँ अब आपने हमारे से हाथ मिला लिया है तो आप भी दोनों हाथ से बटोरते रहो ना। वो तो ठीक है बरुआ साहब लेकिन इस तरह असली दवाई ना मिलने पर कई लोग तो मर भी जाते होंगे ना। तो असली दवा खाकर भी लोग जिंदा रहेंगे इसकी कौन सी गारंटी है। इसीलिए मैंने कहा ना रफीक भाई आम खाते जाओ पेड़ मत गिनो। हाँ ये बात भी आपकी ठीक है। कालिया कौन है वहां पकड़ो उसे। क्या हुआ भाई साहब कमाल है यार। अच्छा तो आप दोनों हैं मशहूर। यहाँ पर वापस कभी नहीं आएंगे। वापस तो तब आओगे ना जब यहाँ से वापस जाओगे। सहरी और नहरी पता नहीं भगवान ने आपको किस मिट्टी का बनाया है। भाई आप दोनों जुर्म सूंघ लेते हैं। हम जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में दवा के सैंपल इकट्ठे कर रहे थे और आपने तो अड्डा ही ढूंढ लिया जहां मौत का सामान बनाया जाता है। भाई इस बार पुलिस डिपार्टमेंट थैंक यू। ओ यार हैरी। हाँ बोल हैरी। ओए हम कहां नकली दवाइयों का अड्डा ढूंढने आए थे। हम तो यहाँ सस्ती दवाई खरीदने के चक्कर में आए थे फिर पुलिस क्यों आज हम पे भारी है। ओ भारी नहीं भारी कह रहा था। अच्छा 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 लगता है तेरा वायरस अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो सर इनका वायरस ठीक करने के लिए कोई और सस्ती और नकली दवाइयों बनाने वाली कंपनी ना ढूंढ ले। हर मुश्किल आसान है कर।